विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, जैसा कि इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट आवर प्लेनेट, मतलब कि अपने घर में निवेश करें, तो उसका सीधा असर तो अपन ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी में किस तरह से निवेश करें। तो हम पृथ्वी को स्वच्छ रखकर, पृथ्वी में अपन पेड़ पौधे लगाकर, जो भी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह जितने भी तरह के प्रदूषण है उनको कम करके अपन अपनी पृथ्वी में निवेश कर सकते हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान धन्यवाद से अनुरोध करूँगा कि वो अपने अनुसार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। पृथ्वी दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें। इसको स्वच्छ रखेंगे तो हमारी भूमि, हमारी धरती अपने आप स्वच्छ होगी, वातावरण स्वच्छ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम जल की बचत करें, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ताकि क्या होता है, अच्छा पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके। देखने में आ रहा है कि लगातार पक्षियों की कमी हुई है हमारी पृथ्वी पर। कौवे हमें नज़र नहीं आते हैं, मोर नज़र नहीं आते हैं, कोयल नज़र नहीं आती है। तो पक्षियों का संरक्षण करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हमें एक दूसरे का सहयोग करना काफ़ी आवश्यक है, चाहे पक्षी हो, जानवर हो। हम अपने जीवन में अपन रोज़मर्रा के कार्य करते हैं और दैनिक जो उपार्जित होता है, जो भी धन मिलता है, जो भी अपने को मिलता है, उसको हम कुछ खर्च करते हैं अपने ऊपर, कुछ अपनी जीविका के ऊपर, और बाकी हम इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ताकि उससे हम आगे आने वाले समय में उस चीज़ का उपयोग कर सकें। कभी आपातकाल अगर ऐसा आ जाता है तो उसमें हम उस चीज़ का उपयोग करके उन संसाधनों को जुटा सकें जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यहाँ वहाँ नहीं थूके और कचरा यहाँ वहाँ नहीं डाले, सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित काम करें, घर समझ के। और ये भी घर है, यहीं से अपनी रोजी रोटी चलती है। वाह वाह बोन जी, क्या बात है। गुजर गए रखें, और घर में भी अच्छी साफ सफाई रखें ताकि बीमारियां ना फैल सके। वो हमें पृथ्वी प्रदान करती है। हमारी पृथ्वी हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि में हम सब अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को हम उपयोग में इस प्रकार ले रहे हैं कि हमारा ये बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को अपन अपना यूज इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार इसका कम समय में, कम उपयोग में, कम बचत हो सके। इस प्रकार पृथ्वी माता हमारी हम सबको जीवन यापन के लिए संसाधन प्रदान करती है। जय हिंद। हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और भरा वातावरण रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। मेरा यही विचार है।